तो आप देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, यहां बता रहा है नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमेलगमेटेड करेक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2000 जो भी है, और आपको दोनों कंपनी का ड्राफ्ट बैलेंस शीट दिया है। इस ड्राफ्ट बैलेंस शीट में कैपिटल है, करेंट लाइबिलिटी है और 3 एसेट्स है। अब बता रहे हैं द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज देयर। अभी इधर बता रहे हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है नए कंपनी का वो कितना है, 25 लाख, जो कि डिवाइडेड है 1 लाख शेयर से ₹25 ईच करेक्ट। तो एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू भी आपको दे दिया कितना, ₹25। आगे बता रहे द लाइबिलिटीज ऑफ नील लिमिटेड 50,000 ड्यू टू गगन फॉर द परचेजेस मेड एंड गगन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल टू नील। तो अगर आपको अगर याद हो कंसोलिडेशन के अंदर वहाँ हमने क्या देखा था, एज सेपरेट लीगल एंटिटी नो प्रॉब्लम, बट अगर कंबाइन कर दो तो वो क्या बन जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। सो टेक्निकली ये तो आपके लिए क्या बन गया, अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, तो उसको आप एलिमिनेट करोगे। सेम वे म्यूचुअल डेट है तो वो भी कॉन्ट्रा से आपका गायब हो जाएगा। आगे देखिए नीन लिमिटेड ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फ्रॉम गगन लिमिटेड एंड ऑल दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द करेंट एसेट्स ऑफ नील लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। और यहाँ पर आपको एसेट्स का रिवैल्यूएशन करके भी दे दिया। अब बता रहे थे परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर रुपी इशू 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 ईच फुली पेड अप इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रिसीडिंग 2 ईयर्स। और प्रिसीडिंग 2 ईयर का आपको प्रॉफिट भी दे दिया, तो प्रिसीडिंग 2 ईयर का आपका प्रॉफिट कितना है, 475 एंड 525। यानी कि ये जो 24,000 शेयर्स आप इशू करोगे ये किस रेशियो में इशू करोगे, 475:525। अरे क्लियर, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर वो क्या बता रहा है, इशू 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच करेक्ट फुली पेड अप इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रिसीडिंग 2 ईयर। कुछ ऐसा नहीं बताया कि एवरेज ऑफ 2 ईयर्स और वट एवर, खाली क्या बताया 2 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो ये 24,000 शेयर किस रेशो में बटेगा, नील और गगन के बेसिस में, 475:525। गाइस क्लियर क्लियर, इस रेशियो में हमें किसको बांटना है, 24,000 शेयर्स को करेक्ट। तो आप इसमें देखो नील को कितना शेयर मिलेगा इसमें, सो नील वुड गेट 475 / इसका टोटल कितना आता है इनटू 24,000, सो दिस कम्स आउट 11,400। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 525 / इनटू 24,000, ये कितना आ गया, 12,600। अच्छा आप इतने शेयर्स तो इशू करोगे करेक्ट, एक शेयर कितने का इशू कर रहे हो, 25 रुपीज, एंड दिस इज ऑल्सो 25 रुपीज करेक्ट। तो आप देखिए इस वाले परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू कितना, 2,85,000, और ये कितना आया, 3,15,000। गाइस क्लियर, दिस इज ए। इसके अलावा क्या बता रहा है, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ठीक है, फुली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड इनकम कन्वीनियंट टू 8% ऑन द रिटर्न ऑन एसेट्स करेक्ट। अब रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, नेट एसेट्स। आप इसको कुछ इस तरीके से समझो, सपोज करो इस कंपनी का नेट एसेट आता है कितना, लेट्स से ₹500 ठीक है, वो बोलता है ₹500 पे 8% कितना होता है, ₹40। सो दिस ₹40 रिटर्न यू गेट। अब बोल रहा है मैं कितने का नया प्रेफरेंस शेयर इशू करूं कि 12% अगर मैं उसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड बांटूं तो कितना मिले, ₹40। गाइस क्लियर, सो विद दिस लॉजिक यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अरे मिला, और वो कैसे आ जाएगा, दिस विल बी 40/12% कितना आया, 3, 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 बताइए क्लियर। फिलहाल ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने खाली आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। अब यही आप वापस से पढ़ के देखो, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए उसी पॉइंट को दोबारा से पढ़ के देखो, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स करेक्ट, इशूड एट पार, फुली पेड अप इशूड एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% ऑफ द नेट एसेट्स। अरे मिला, तो इसके लिए इनका नेट एसेट्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी कैलकुलेट नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स किसके किसके निकालने हैं, नील लिमिटेड और दूसरा गगन लिमिटेड। तो आप यहाँ पर बताओ नेट एसेट्स कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस
लाइबिलिटीज़। तो आप देखिए इनके प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू चेंज हो गया था, करेक्ट, तो हम बैलेंस शीट का वैल्यू नहीं उठा सकते। सो एक तरफ आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी, एक तरफ आपके पास है बिल्डिंग, और दूसरा आप देखो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट। सो इससे आपके पास एसेट का टोटल अमाउंट आ जाएगा, इस टोटल अमाउंट में माइनस कर देना करंट लायबिलिटी, क्योंकि और तो कोई नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, जो बचेगा वो क्या होगा। तो आप देखिए करंट लायबिलिटी 623,500, 557,600। इसके अलावा अगर आप देखो प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का नया वैल्यू है, बट करंट एसेट तो यही है 163,500, 158,600। इसके अलावा आप देखो प्लांट एंड मशीनरी 525, बिल्डिंग 775। सिमिलरली गगन का प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग 675 एंड 648, राइट। अब इसका लगाइए टोटल कितना आता है, 14,63,500, और ये कितना आया, 14,81,600। तो दिस इज 8,40,000, दिस इज 9,24,000, करेक्ट। तो आप देखिए दोनों का नेट एसेट्स कितना आ गया, तो अगर आप चेक करो नील का नेट एसेट्स जो आया है वो कितना है, 8,40,000। इस 8,40,000 पे 8% रिटर्न मिलेगा, करेक्ट, वो कितना आएगा, 67,200। अब इसको डिवाइड करो किससे, 12% से, तो आपके पास नया वैल्यू आ जाएगा 5,60,000, क्लियर। सिमिलरली अगर आप गगन लिमिटेड का चेक करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप देखो इसका नेट एसेट्स कितना है, 924, और इसके ऊपर 8% कितना आ गया, 73,920, और इसको डिवाइड करते हैं हम 12% से, कितना आया, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो इनको इक्विटी भी मिल रहा है, नील को 285 और गगन को 315, करेक्ट। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन नील के लिए कितना हो जाएगा, तो आप देखो नील को एक तो 5,60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा उसको 2,85,000 का इक्विटी मिल रहा है, राइट और रॉन्ग। सिमिलरली गगन लिमिटेड को इक्विटी मिल रहा है 3,15,000, और उसको ये वैल्यू मिल रहा है 6,16,000। तो ये कितना आता है, 9,00,000, सो दिस इज 8,45,000। ये देखिए दिस इज द परचेज कंसिडरेशन, मिला ये वाला। सो दिस इज नील, दिस इज गगन, दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दिस इज एंड